नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल में। तो अभी हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम के गड़ा गांव में और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी का घर आपको नज़र आएगा और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गड़ा गांव में। तो जो गड़ा गांव है काफ़ी खूबसूरत गाँव है और आप लोगों को मैं आपको ये गाँव ज़रूर दिखाऊँगी। और उसके पहले यहाँ पर हम आपको कुछ लोगों से मिलवाने वाले हैं। तो एक आंटी जी हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो कुछ बातें हम इनसे पूछेंगे और बागेश्वर महाराज जी जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आंटी जी हैं और इसी गड़ा गांव की हैं, तो बहुत सी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं इस गाँव से और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार आंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मतलब कब से रह रही हैं यहाँ पे? मतलब ये रहे तो अब जब से मतलब बचपन अच्छा, हुआ जब ही से है ऐसा थोड़ी। तो ये बताइए कि जो बागेश्वर महाराज जी हैं वो आपके गांव के हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रहते थे कि वो लोग यहाँ पे रहते थे या बराबर ही? सबसे पहले बुजुर्ग रहते हैं, ऐसा रहता है कि मतलब बहुत कोई पहले आके बसा रहता है, कोई बाद में आके रहता है? अच्छा अच्छा, अच्छा वो उनका भी गाँव है, वो सबका। अच्छा, तो कैसा लगता है कि मतलब आपके ही गांव में मतलब यहाँ पे इतना विकास हो गया और महाराज इतना फेमस हो गया, जो आपकी आंखों के सामने घूमते टहलते होंगे जब उनका कुछ नाम? हाँ, तो हो ही गया, वो ऐसा थोड़ी यहाँ कि विकास नहीं हुआ, विकास तो अच्छा हुआ है, अच्छा बढ़िया है। अब पहले मतलब बुढ़ा दादाजी गुरु जैसे तुम्हारे हमारे हैं तो ऐसी सबके हैं, तो ऐसे बच्चा अपने होते गए। तो बागेश्वर महाराज के बारे में बताइए, जो बचपन में क्या मतलब ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब जैसी भी कहानी बताते हैं वही कहानी है। हमें तो मैं तो भूल जाते, वो भी भूलते नहीं है, भी अपनी सारी बताते हैं, गरीबी की है, भूख प्यास की है, सब बताते हैं। तो क्या वो पहले जो उनका परिवार था वो काफी वो लोग गरीब थे ऐसा? हाँ, वो गरीब थे भी थे। हाँ, सब है, उनके माता वो चाचा है, वो छह भाई है उनके, चाचा रहे हैं। अब दादा हमको पता नहीं था क्या भाई थे उनके, दादा गुरु ये पता नहीं हमको। तो जो छह लोग भाई हैं तो क्या यहीं पे रहते हैं या कहीं और भी लोग रहते हैं? रहते हैं गांव में, सारे लोग एक ही साथ रहते हैं? अच्छा, नहीं ऐसा ही है कि जब मतलब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग। हाँ, यहाँ पे कितने भाई लोग रहते हैं? उनके सब भाई है। अच्छा, सब भाई है। तो मतलब इन वो किस स्कूल में पढ़े, कुछ आपको आइडिया है बागेश्वर महाराज? अच्छा, ये पढ़ते रहे उन्हें अपने साथ। अच्छा, ये साथ में उनके पढ़ते थे ये दोस्तों? ये देख लीजिए, बागेश्वर महाराज जी के ही साथ में पढ़ते थे। तो क्या आपके दोस्त वगैरह थे? तो इधर आइए ना सर, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग क्लासमेट थे कि साथ पढ़ते थे या मतलब छोटे बड़े? दो तीन चार क्लास आगे पढ़ते थे। अच्छा, आप बड़े थे। अच्छा, वो थोड़ी जैसे हम दसवीं में कर रहे थे तो छः सात में कर रहे थे, पढ़ा था। तो क्या वो सर, अच्छा सरकारी स्कूल था या जो संस्कृत वाला स्कूल था वो था? सरकारी था। अच्छा, तो आपके गाँव में मतलब सरकारी स्कूल या कोई अच्छे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्कूल होते हैं? अच्छा, बस एक ही स्कूल है? तो और भी स्कूलें खुलने चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि इतना विकास हो रहा है इतना, तो मतलब अभी जो विकास दो तीन चार पाँच साल से हुआ है एकदम से, स्कूल में भी बनने में कुछ समय लगेगा, एक दिन में तो सारा हो नहीं जाएगा। क्योंकि जो रोड वगैरह वो काफ़ी अच्छा बन चुका है उधर, हम देखे हैं स्टेशन वगैरह की तरफ से जो रोड आता है काफ़ी अच्छा बन गया है। तो कैसा लगता है कि आपका गांव कितना विकास हो गया और आपके गांव में मतलब देश विदेश से लोग आ रहे हैं? अच्छा, कैसा लगता है? अरे हमने तो कभी भविष्य में सोचा नहीं था कि ऐसा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, क्योंकि अच्छा पता नहीं कभी क्या हो जाएगा। अच्छा, तो थोड़ी पता है क्या हो जाएगा। हाँ, तो क्या बागेश्वर महाराज संग कभी खेलते थे कि नहीं खेलते थे? उसको लड़ाई उड़ाई की है कि नहीं की है? लड़ जाते किसी से होती नहीं थी। अच्छा, हंसी मजाक तो हर व्यक्ति करता है। अच्छा, बचपन में मतलब कोई बात बात तो होती ही होगी? अच्छा, उनके छोटे वाले गुरुजी हैं जो खेलते थे हम। अच्छा, आप लोग खेलते थे? तीन चार साल से बंद हुआ खेलना। अच्छा, साथ में वो भी खेले हम भी खेले। अच्छा, तो कुछ अच्छी बातें उनकी मतलब ऐसा कभी लड़ाई झगड़ा भी करते थे बचपन में? क्योंकि अभी भी देखते होंगे कितना वो हंसी मजाक करते हैं बागेश्वर महाराज जी, है कि नहीं? मतलब हंसाते भी हैं, मतलब कुछ भी मतलब खेलते थे, अगर किसी भी टीम में हो जाए तो बस तो टीम हंसती रहती थी। अच्छा, तो क्या खेलते थे आप लोग? क्रिकेट ही खेलते। अच्छा, गुरु जी मतलब गाना वाना भी गाते थे क्या बचपन में से? अंताक्षरी वगैरह होता था तो शुरू से है इस चीज में गाना, वो जागरण पार्टी भी शुरू से करती है। अच्छा, पढ़ाई में बहुत तेज थे बचपन में? उनके पास इतना ज़्यादा दिमाग ही है कि वो जैसे हम लोग तो वैसे थे, ज़्यादा जैसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे,
जैसे वो वैसे थे कि पढ़ते भी थे, उतनी काम करते, उतनी सब कुछ करते थे। तो बचपन से ही वो बहुत मतलब प्रतिभा वाले थे, बहुत तेज तरार थे और फर्स्ट वगैरह जो भी आते थे। तो किस क्लास तक वो मतलब पढ़ाई किए थे वहाँ पे स्कूल में? यहाँ तो आठवीं तक है। अच्छा, आठवीं के बाद फिर बारहवीं, फिर उन्होंने फिर बारहवीं के बाद फिर हमें खुद पता नहीं। अच्छा, और क्या जैसे बारहवीं के बाद सात स्कूल बारहवीं तक था, वहाँ के बाद जैसे हम लोग बंद हो गए। अब कोई पढ़ता, कोई पता थोड़ी है कि कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है। तो शुरू से जैसे कि वो इसी गांव में रह गए कि बाहर भी गए थे वो पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए? अच्छा, कहाँ पे कुछ है अभी खुद पता नहीं। जैसे हम भी कहीं चले यहाँ सब भी जाने कहीं गए हैं वो भी नहीं। जब इंसान से फेमस हो जाता है ना तो उसके बारे में इंसान सोचता है कि हर चीज़ इंसान को पता कर ले कि क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। ये नहीं पता कि कहाँ उन्होंने पढ़ाई की है, कि अब यहीं पर इतना पता है कि उन्होंने पढ़ाई की। इसमें आप क्या सोचे हैं कि आप क्या करेंगे? सरकारी नौकरी तो लगनी नहीं है, यही जैसे अपना यही घर का काम है यही करेंगे, क्या करेंगे। और जैसे कि बागेश्वर महाराज इतने फेमस हो गए हैं तो सारे लोग अपने घर में ही गेस्ट हाउस होटल वगैरह सब लोग बना लिए हैं, तो मतलब उससे मतलब लोगों का काफ़ी विकास हो रहा है कि नहीं? हर व्यक्ति के पास जैसे काम नहीं था, काम मिल गया है, सब लोग दाल रोटी के घूमते। हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताइए पहले ये गड़ा गांव कैसा था और आज की डेट में चार साल पाँच साल के अंदर इसका कितना बदलाव हुआ है ये बताइए। 100% में 100% बदल गया है। पहले इसमें जहाँ स्कूल है ना, यहाँ पर कम से कम 50 लोग तो जुआ खेलते थे वहाँ पर डे, ऐसा नहीं एकदम पूरी कर दो, 5 महीना बराबर 100 जुआ, और 2-3-4 बंदे घूमेंगे दारू पी के। एक भी बंदा आप कहीं भी चले जाओ इस गांव में, कोई भी दारू पी के आपको कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। अच्छा, ना जुआ खेलने वाला मिलेगा बस। इसका मतलब गांव पूरी तरह से बदल गया है? बदल गया कि बदल ही गया। अच्छा, बदल ही गया एकदम से। यहाँ पे कोई को जुआ कोई कुछ खेलता नहीं, सारे लोग अपना काम में लग चुके हैं। जो पीने वाले हैं वो भी जब मिलेगी नहीं सो पियेंगे कहाँ, वो भी बंद है यहाँ पे। अच्छा, जो मंदिर के आसपास जो जिसका वो मतलब जमीन वगैरह है, ठीक है, तो जो किराया वगैरह होता है तो मतलब वो किसको जाता है? जिसका जमीन है उसी को जाता है या फिर सरकार की तरफ? जिनकी जमीन है उन्हीं को मिलता है। अच्छा, इस गांव का विकास अगर हो रहा है तो मतलब इसके बाद जितने अगल बगल गांव से गंज वगैरह है तो उसका भी विकास मतलब हो ही रहा है कि नहीं? वहाँ भी गेस्ट हाउस वगैरह भी पहले भी वैसी था, आज भी वैसी है, लेकिन हाईवे फोर लेन बन चुकी है। रोड वोड का हो सकता है, रोड वगैरह वैसी। देखिए यहाँ पे जितनी भी दुकानें खुल रही हैं, यहाँ पे बाहर बाहर से लोग आके यहाँ पे दुकानें खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो है ही ना, जिसकी उनका भी विकास वगैरह हो ही रहा है। तो आंटी जी, आप कुछ और बचपन के बारे में नहीं बताई उनके? बचपन के बारे में तो ये छोटे छोटे मंगाते रहे और ऐसे मंगा मंगा के लेके गए आटा, तो उनकी मम्मी ने खाना पीना बनाया तब उनका पेट भरा है, तब और कुछ देखा है। और ये और सब लोग जैसे ही करे, ये गरीब गरीब थे तो कोई ना गरीब के मतलब सबको धक्का से भी तो मान लेना। तो ये सब चीज़ें आप देखती थी कि मतलब लोग आते थे मांगते थे और फिर उसके बाद उनका जो बचपन था बहुत गरीबी में कटा, ये सब चीज़ें आप आपके आँखों से देखी हुई सब चीज़ें ना? तो और क्या, यही बचपन में देखा है क्या, बेचारे बहुत गरीब हैं, मंगा मंगा के ले जाते हैं खाते हैं। बोलते थे कि हम बचपन में पार्ले बिस्किट खा के मतलब ऐसे ही रह जाते थे, बहुत दुख उठाया उन्होंने। अब देखो आज बहुत भगवान की दया से दुआ से तो पता नहीं क्या क्या बन गया, अभी पता ये पता भी नहीं है आगे चल के क्या बनेगा क्या होएगा आगे। अरे गड़ा गाँव स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन ही गया है, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कौन जानता था गड़ा गाँव, कौन जानता था? आज की डेट में देश नहीं विदेशों में से लोग जानते हैं कि हाँ गड़ा गाँव है, और आज की डेट में अगर इतना फेमस हुआ तभी तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, है कि नहीं? कोई नहीं जानता था। देखिए कोई कभी न कभी तो भगवान धरती पे आते हैं तो उनके रूप में मतलब कोई भी आ सकता है, तो आज की डेट में जो उनका जो रूप है भगवान का वो बागेश्वर महाराज जी हैं, तो यही सच्चाई है। और आशा करते हैं आने वाले समय में बहुत विकास होगा और साथ में आप लोगों का भी विकास होगा। है कि नहीं? सबका वो है क्या, अच्छा है, सबको अच्छा भी लगा, गांव वालों को और भी और को का भी उनको भी बहुत है, तो बागेश्वर धाम खुल गया तो बहुत अच्छा है, भगवान अच्छा है वो सबका अच्छा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी आप लोगों से मिलने वाले कि गांव में आते हैं कि नहीं आते हैं, घूमते हैं कि नहीं? घर पे आते हैं तो घर पे चले जाते मिलने के लिए। अच्छा, गाँव में घूमते ही नहीं है, रहते ही नहीं, कहाँ घूमेंगे ना? ये सारे गाँव में तो सब लोग पछियाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलने आएंगे आपसे।
दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो कि आंटी जी के द्वारा आप लोगों ने सुनी होगी। और आंटी जी ये भी बता रही थी कि पहले इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में सबके पास अपना व्यवसाय है, अपना घर है। और पहले यहाँ पे जितनी भी ज़मीनें रहती थी उसे कोई पूछता भी नहीं था, 5 लाख बिस्सा भी नहीं कोई पूछता था, लेकिन आज के डेट में उसका दाम करोड़ों में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले जो भैया थे बोल रहे थे कि पहले यहाँ पर सारे लोग थे वो जुआ या फिर ऐसे सब चीज़ों में मतलब शराब वगैरह पीते थे, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे ऐसे कोई काम होता ही नहीं, सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनकी ही कृपा है जो कि पूरी तरह से गांव और गांव के जितने भी लोग हैं उनका विकास हो रहा है। तो काफ़ी सुन के अच्छा लगता है। और यही थी छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको दे दी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय बागेश्वर धाम, जय सियाराम।